Very good morning, children. Much welcome in this book reading session. Today we will learn about lesson 5 named Pari and her puzzle. Let us learn importance of family. इस पाठ में हम लोग पारिवारिक महत्व को समझेंगे. Tick the option which you think gives the correct meaning of the word togetherness. Togetherness शब्द का जो सही अर्थ देता है उसे टिक करना है. First option is sharing time together as a family. और sharing time together as a family option first है. Enjoying the time spent with your family option second है. और third है both the above. Your answer will be third. That is, both the terms are applicable for togetherness. Pari was an intelligent little girl who used to think a lot. Pari एक बुद्धिमान छोटी लड़की थी जो हमेशा गहराई में सोचा करती थी, यानी ज़्यादा सोचा करती थी. She loved to think about all things she knew and think about all things she did not. वह उन बातों के बारे में भी ज़्यादा सोचा करती थी जिन्हें वो भली भांति जानती थी, और उन बातों के बारे में भी ज़्यादा सोचा करती थी जिनके बारे में वह नहीं जानती थी. She loved puzzles and could spend hours trying to solve them. वो पहेलियों को हल करने में ज़्यादा समय देना पसंद करती थी. वो पहेलियों को पसंद करती थी और उसे सुलझाने में तब तक लगी रहती जब तक कि वो हल ना हो जाए, यानी घंटों लगी रहती थी. सी वॉज ए वेरी क्लेवर गर्ल. वह काफ़ी चालाक लड़की थी. इफ़ देयर वॉज एनी क्वेश्चन और एनी डाउट, परी वुड सेट हर माइंड ऑन इट अनटिल शी वर्क इट आउट. अगर उसके दिमाग में कोई प्रश्न या कोई शक होता तो वो उस बिंदु पर अपने मस्तिष्क को इतना केंद्रित रखती और तब तक केंद्रित रखती जब तक कि उसका हल न निकल जाए. वन डे परी हैड ए वंडरफुल थॉट. एक दिन परी के मस्तिष्क में बहुत ही आश्चर्यजनक विचार है, यानी आश्चर्यजनक विचार आया. शी वंडर्ड हाउ टू हैव ए हैप्पी फैमिली. वो सोची कि किस तरह एक सुखद परिवार हो सकता है, यानी एक परिवार कैसे सुखी रह सकता है. इफ एवरी वन वॉज हैप्पी, अगर प्रत्येक व्यक्ति खुश हो, विथ ए हैप्पी फैमिली टू, और उनके परिवार भी खुश हों, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक खुशहाल परिवार के साथ रहे, देन द वर्ल्ड वुड बी मच बेटर प्लेस. तो यह संसार सच में बहुत ही सुंदर स्थान बन जाएगा, यानी बहुत ही सुंदर स्थल बन जाएगा. सो परी सेट टू वर्क टू लर्न हाउ टू हैव ए हैप्पी फैमिली इन ए हैप्पी हाउस. तो परी इस बिंदु पे काम करने लगी कि कैसे एक सुखी घर में एक सुखी परिवार रह सकता है. सी सर्च्ड ऑन हर कंप्यूटर. उसने अपने कंप्यूटर पे खोजना प्रारंभ कर दी, यानी खोजना शुरू कर दी इस विषय को कि कैसे एक खुशहाल घर में एक खुशहाल परिवार रह सकता है. एंड सी रेड मैनी बुक्स. और वह अनेकानेक पुस्तकें पढ़ गई. वेर एवर देयर वॉज हैप्पीनेस, जहाँ कहीं भी वो हैप्पीनेस शब्द को देखती कंप्यूटर पे, देन सी स्टॉप टू टेक ए लुक. तो वहाँ रुक जाती और उसे देखती, गौरपूर्वक देखती. ऑल दो कंप्यूटर्स प्रोवाइडेड ऑल इन्फॉर्मेशन, परी कुड नॉट डिस्कस एंड शेयर हर फीलिंग्स बिकॉज ए कंप्यूटर वॉज ए मशीन एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स. यद्यपि कि कंप्यूटर ने उसे सारी इच्छित
सूचनाएं प्रदान की, लेकिन वो अपनी जो संवेदना थी, जो अनुभूति थी, जो फीलिंग्स थी, उसको कंप्यूटर के साथ पूर्णतः शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि कंप्यूटर तो अंततः एक मशीन ही था, एक यंत्र था। तो उसने ऐसा महसूस की कि वो भली भांति अपने फीलिंग्स को कंप्यूटर के साथ शेयर नहीं कर पाई और उसके प्रति उत्तर यथार्थ उत्तर को नहीं प्राप्त कर सकी। शी फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न हाउ टू हैव ए हैप्पी फैमिली इन ए हैप्पी हाउस। और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कैसे एक सुखद घर में एक सुखी परिवार रह सकता है, यह प्रश्न तो बड़ा ही कठिन है, इस प्रश्न का उत्तर निकालना बहुत ही कठिन है। सो सी फाइनली आस्क्ड हर मदर, इसलिए उसने अंत अपनी माता जी से पूछा। हर मदर टोल्ड हर नॉट टू वरी, तो उसकी माता जी ने कहा तुम चिंता मत करो एंड एक्सप्लेन टू हर एवरीथिंग अबाउट लव एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली बॉन्डिंग। और उनकी माता जी ने उसे लव के बारे में यानी प्रेम के बारे में और पारिवारिक बंधन यानी फैमिली बॉन्डिंग के बारे में विस्तार से बताया। हाउ पेरेंट्स लव, उन्होंने बताया कि कैसे माता पिता प्रेम करते हैं। प्रोटेक्ट एंड ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रेन, वे अपने बच्चों को प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं और उनकी परवरिश करते हैं यानी उन्हें पालते हैं। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देम, माता पिता उनकी देख रेख करते हैं। एंड हेल्प देम ग्रो अप टू बी मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स, और उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं ताकि वे एक परिपक्व और उत्तरदायी व्यक्ति बन सकें। फैमिली गैदरिंग्स यानी पारिवारिक जो इकट्ठा होते हैं लोग, जिस वैसे फंक्शन जिसमें सभी लोग एकत्रित होते हैं, फैमिली गैदरिंग्स एंड इवेंट्स और वैसे शुभ अवसर जिसमें सभी लोग एकत्रित होते हैं, हेल्प चिल्ड्रेन टू यूनाइट, उसमें लोग बच्चों के अंदर एकत्व की भावना आती है, वे यूनिटी की भावना उनके अंदर आती है, वे सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे में यूनिटी आती है, कैसे एक दूसरे से जुड़ कर रह सकते हैं, कैसे एकता की भावना आती है। एंड लव ऑल फैमिली मेम्बर्स, और वो जानते हैं कि परिवार के एक दूसरे सदस्य से कैसे प्रेम करना चाहिए, ये उन्हें फैमिली गैदरिंग्स में सीखने को मिलता है। यानी जब कोई अवसर होता है जैसे शादी है, जनेऊ है, पूजा है, पाठ है, उसमें फैमिली गैदरिंग्स होता है, तो बच्चों के अंदर ऐसी अनुभूति आती है। चिल्ड्रेन लर्न फैमिली वैल्यूज, और बच्चे पारिवारिक मूल्य को समझते हैं एंड ट्रेडिशंस और परंपरा को समझते हैं, स्पेशली फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, और ऐसा विशेषतः वो अपने दादा दादी और नाना नानी से समझते हैं। दस परी लर्न द सीक्रेट ऑफ व्हाट ए हैप्पी फैमिली इज ऑल अबाउट। इस तरह से परी यह सीख गई कि एक सुखद परिवार का राज क्या है, एक सुखद परिवार का अंत मूल आधार क्या है। सी फाउंड दैट लव वॉज नीडेड टू फाइंड हैप्पीनेस, उसे पता चल गया कि सुखी रहने के लिए लव का होना, प्रेम का होना बहुत ही आवश्यक है। विथ लव सी सॉ द फैमिली बिकेम ए हैप्पी फैमिली, और देखी कि यह प्रेम ही है जिसके द्वारा एक परिवार सुखी जीवन यापन करता है, एक परिवार एक सुखद परिवार में परिणत होता है, एक परिवार एक खुशहाल परिवार होता है। विथ लव परी वॉज हैप्पी एंड सी हैड नेवर फेल्ड सो गुड, ये प्रेम के साथ वो काफ़ी खुशी महसूस की, काफ़ी खुश थी, और ऐसा खुशी उसे कभी नहीं महसूस हुआ था जिस तरीके से प्रेम के साथ उनके माता पिता ने उन्हें समझाया। परी बिकैम एज हैप्पी एज कैन बी, परी उतनी खुश हुई जितना वह हो सकती थी, यानी पर्याप्त खुश हुई। नॉट ओनली सी वॉज हैप्पी, केवल वही खुश नहीं थी, बट सो वॉज हर फैमिली, और उसकी परिवार भी उतने ही खुश थे। देन परीज हैप्पी फैमिली मेड अदर्स हैप्पी टू, तो जब उसके परिवार खुश हुए तो उन लोगों ने दूसरे लोगों को भी खुशहाल बनाया। इट इज़ रियली सरप्राइजिंग व्हाट ए लिटिल लव कैन डू, सच में यह बहुत ही आश्चर्य की बात है, एक छोटा सा प्रेम क्या नहीं कर सकता। इन दिस वे वी लर्न ए कंप्यूटर कैन नॉट शेयर आवर फीलिंग्स, वी गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम कंप्यूटर ओनली फॉर दोज प्रोग्रामिंग्स व्हाट हैज़ बीन सेटल
or fixed or programmed in the computer by we human being. Thanks for watching. Wait for the next and enjoy it.